नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। पेट्रोल डीजल की कीमतों से भले ही आम जनता परेशान हो, हलकान हो, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियां खूब मालामाल हो रही है। तेल की बढ़ती कीमतों का नतीजा है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का शुद्ध लाभ चालू 2020-21 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 120% उछलकर 2,777.6 करोड़ रुपये पहुँच गया है। बताया जा रहा है कि तेल के दाम में वृद्धि से पहले के बचे माल पर हुए लाभ के कारण भारत पेट्रोलियम को फायदा हुआ है। इससे पहले 2019-20 की इसी तिमाही में कंपनी को 12,606 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। बीपीसीएल के निदेशक एन विजय गोयल ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में लाभ के रूप में तीसरी तिमाही काफ़ी बेहतर रही है। कंपनी बिक्री के मामले में कोविड पूर्व स्तर पर आ गई है। कंपनी को पहले के बचे तेल से 771 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। कंपनी ने ईंधन तैयार करने के लिए कच्चा तेल कम दाम पर खरीदा था, लेकिन बाद में दाम बढ़ने से उसे ऊंचे मूल्य पर बेचा। इसके अलावा कंपनी को 76 करोड़ रुपए का विदेशी विनिमय लाभ भी हुआ है। जबकि बता दें कि सरकार की विनिवेश की लिस्ट में ये सरकारी कंपनी सबसे ऊपर है। सरकार को उम्मीद है कि बीपीसीएल की बिक्री से विनिवेश का लक्ष्य थोड़ा आसान हो जाएगा। यही नहीं, इस कंपनी की बिक्री में कम अड़चने आने की संभावना है। मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 में विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि बीपीसीएल की देश में 4 रिफाइनरी हैं। उसने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में प्रत्येक 1 बैरल कच्चे तेल को ईंधन में तब्दील करने पर $2.47 का लाभ कमाया। कंपनी की बिक्री 1.4% बढ़कर 86,579.9 करोड़ रुपये रही। बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है। इन पेट्रोलियम उत्पादों के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। इस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87.30 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 93.83 रुपये प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली में डीजल का भाव 77.48 रुपये प्रति लीटर और मुंबई में 84.36 रुपये प्रति लीटर चल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।